इधर पंजाब में भगवंत मान कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पहली कैबिनेट में ही चुनावी वादों पर अमल शुरू हो गया है। कहा तो यही जा रहा है कि पंजाब की मान सरकार दिल्ली के मॉडल पर चलने वाली है, तो ऐसे में बिजली पानी फ्री के अलावा और क्या क्या मिल सकता है पंजाब को आम आदमी पार्टी के जरिए, एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब कैबिनेट का ये शपथ ग्रहण, शहीद भगत सिंह के गांव में भगवंत मान की ये कसम। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और 10 मार्च को पंजाब में जीत का ये जश्न। इनकलाब वंदे वंदे। लंबे वक्त तक उग्रवाद और अब ड्रग्स के काले अंधेरे से उबरने की कोशिश करते पंजाब की जनता ने न अकाली दल को चांस दिया, न कांग्रेस पर दोबारा भरोसा किया और मौका दे दिया उस पार्टी को जिसका पंजाब की राजनीति में बहुत ही छोटा इतिहास है। पंजाब की जनता ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरह वोट करके उसने अकाली दल और कांग्रेस की उम्मीदों पर झाड़ू फेरा है, वही झाड़ू उसकी उम्मीदों पर पड़ी धूल को उड़ा सकती है, राज्य की किस्मत चमका सकती है। क्योंकि जिस मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के वादे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी और उन वादों पर वो खरी उतरी, अगर वही मॉडल पंजाब में लागू कर दिया जाता है तो जनता ये उम्मीद कर रही है कि पूरे सूबे की सूरत बदल सकती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन कौन से सपने हैं जिन्हें केजरीवाल दिल्ली सरकार के बंधे हाथों की वजह से पूरे नहीं कर पाए, वो पंजाब में पूरे हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिल्ली पंजाब मॉडल का डंका पीट सकती है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया, कानून व्यवस्था में दिल्ली सरकार की दखल नहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र की, दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के पास ताकत, बिजली पानी पर भी नियंत्रण नहीं क्योंकि स्वायत्त बोर्डों का अधिकार, किसानों के मामले में पूरा अधिकार नहीं क्योंकि केंद्र सरकार के पास पावर। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनना और इस धमाके के साथ सरकार बनना कि 117 के सदन में वो 92 सीटें जीत ले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म की राष्ट्रीय घटना है। ये एक क्षेत्रीय शक्ति जो कि दिल्ली में केंद्रित थी, राष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना पहला सशक्त कदम इस चुनाव के जरिए उसने रखा है। पिछले ही साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार सूखा राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब पिज्जा से लेकर हर जरूरी सामान लोगों के घर तक डिलीवर किया जा सकता है तो फिर राशन के लिए गरीबों को लाइनों में लगने की क्या जरूरत है। इसी तरह दिल्ली सरकार के पास राज्य के कानून व्यवस्था को संभालने का अधिकार नहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ऐसे में केजरीवाल अपनी पार्टी की छवि को कानून व्यवस्था बेहतर करने से चमकाने से दूर रहते आए हैं। पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार के पास अपनी पुलिस होगी, गृह मंत्री होंगे और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे को वहां लागू कर पाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पुलिस है नहीं, उसके पास तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब में उसके पास सब कुछ है। अब उसके पास ये कहकर बचने का कोई मौका नहीं रहेगा कि हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो हम ये कर देते। ABP News आपको रखे आगे।